वेलकम टू ऑल इन आर मैथमेटिक क्लास। जैसे कि आपको पता है, हम चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं। आज हम इसका पार्ट 4 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 16 तक हम कर चुके हैं। आज है क्वेश्चन नंबर 17। अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव बल्ब्स। हमारे पास टोटल बल्ब कितने हैं? हमारे पास 20। तो उसमें से डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं हमारे पास? 4। क्या बोला इन्होंने? लॉट ऑफ 20 बल्ब्स, टोटल बल्ब है हमारे पास 20, उसमें से डिफेक्टिव कितने हैं हमारे पास? 4। वन बल्ब इज ड्रॉन एन रैंडम फ्रॉम द लॉट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज डिफेक्टिव। हमें डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सेकेंड पार्ट इसमें क्या है? सपोज द बल्ब ड्रॉन इन इज नॉट डिफेक्टेड, नॉट इज रिप्लेस्ड। इन्होंने बोला हुआ, मान लो हमने एक जो बल्ब निकाला उसमें से ना ही वो डिफेक्टिव था ना ही वो रिप्लेस किया गया। तो नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। एक क्वेश्चन के दो पार्ट हैं बच्चे, दोनों पार्ट को ध्यान से समझ के करने की जरूरत है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा चेंज है। वो चेंज आपको ध्यान से देखना है कि इसमें क्या चेंज किया है हमने। सबसे पहले हमारे किसकी बात की है इन्होंने? टोटल बल्ब की। किसकी बात की है इन्होंने? टोटल बल्ब हमारे पास कितने हैं? 20। टोटल बल्ब हमारे पास कितने हैं? 20। और डिफेक्टिव बल्ब कितने बोले थे इन्होंने? 4। तो यानी कि जो बल्ब डिफेक्टिव नहीं है, टोटल कितने थे हमारे पास? 20। उसमें से मैं डिफेक्टिव वाले निकाल दूंगी, यानी कि जो नॉन डिफेक्टिव बल्ब यानी कि गुड बल्ब कितने हैं जो डिफेक्टिव नहीं है, वो क्या है हमारे? 16। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाया हमने, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब कितनी होगी? कितने डिफेक्टिव बल्ब हमारे पास? 4। तो 4 है फेवरेबल केसेस डिफेक्टिव बल्ब के अपॉन 20। तो 4 वन जा 4, 4 5 जा 20, यानी कि 1/5 इज योर आंसर। अब सेकंड पार्ट था, उसमें क्या बोला? व्हेन अ बल्ब ड्रॉन इज नॉट डिफेक्टिव नॉट रिप्लेस्ड। जो एक बल्ब मान लो हमने उसमें से निकाला, ना ही वो डिफेक्टिव था ना ही उसे हमने रिप्लेस किया, तो बताओ अब प्रोबेबिलिटी हमने नॉन डिफेक्टिव बल्ब की निकालनी है। लेकिन एक बल्ब हमने निकाल दिया है, तो टोटल में से भी एक कम हो गया, 20-1, यही चेंज है। पहले टोटल कितने थे? 20। इन्होंने बोला हुआ एक बल्ब हमने उसमें से निकाल दिया, तो टोटल बल्ब अब कितने रह गए? 90। और वो क्या था? नॉट डिफेक्टिव बल्ब था, यानी कि जो नॉट डिफेक्टिव टोटल पहले थे कितने? 16 थे। उसमें से भी एक कम हो गया, 60-1, अब कितने बच गए? 15। अब ये बात ध्यान रखनी है आपने कि जब जो एक बल्ब रिप्लेस किया नहीं रिप्लेस किया ना ही वो डिफेक्टिव भी नहीं था, टोटल में से भी वन कम हो गया, और जो नॉन डिफेक्टिव बल्ब थे उसमें से भी एक कम हो गया, क्योंकि पहले हमारे पास नॉन डिफेक्टिव कितने हो रहे थे? 16। तो वो बल्ब उसमें से भी कम हुआ, तो हमारे पास अब नॉन डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं? 15। और टोटल बल्ब कितने हैं हमारे पास? 19। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब की क्या आएगी? 15/19 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? अ बॉक्स कंटेन 19 डिस्क्स व्हिच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 19। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ टू डिजिट नंबर, अ परफेक्ट स्क्वायर, अ नंबर डिविजिबल बाय 5। सबसे पहले हमारे पास टोटल नंबर है कितने? 1 से लेके 90 तक कितने नंबर बने हमारे पास? 90। यानी कि टोटल हमारे पास कितने नंबर है? 90। अब 1 से लेके 90 तक यानी कि टू डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 10 से। तो 10 से लेके 90 तक हमारे पास कितने टू डिजिट नंबर है इसमें? 81। 81 टू डिजिट नंबर हो गए। अब बताओ 1 से लेके 90 तक हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से हैं? 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81। 90 से पीछे पीछे ही लेने हैं। नेक्स्ट कौन सा था? 100। तो 90 से आगे इसलिए हम नहीं लेंगे। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास? 1 से 90 के बीच में कितने परफेक्ट स्क्वायर है? 9। तो 1 से लेके 90 तक डिविजिबल बाय 5 कौन कौन से नंबर है? 5, 10,
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90. तो टोटल नंबर कितने हुए? 1 से लेके 90 तक कितने नंबर है जो डिविजिबल बाय 5 है? 18. अब हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखेंगे. प्रोबेबिलिटी अब किसकी निकालनी है? सबसे पहले टू डिजिट नंबर. टू डिजिट हमारे पास कितने नंबर थे? हमारे पास देखो यहाँ पे ऊपर टू डिजिट हमारे पास फेवरेबल केसेस कितने? टू डिजिट नंबर 81/90, ये कट हो जाता है. 9 9 81, 9 10 99, 9/10 इज योर आंसर. प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? अब परफेक्ट स्क्वायर. अब देखो परफेक्ट स्क्वायर वाला कितने थे हमारे पास फेवरेबल केसेस? 9 9/90, ये भी कट जाता है. 9 1 9 10 1/10 इज योर आंसर. अगला क्या है? अ नंबर डिविजिबल बाय 5. तो कितने फेवरेबल केसेस निकले थे यहाँ पे देखो? 18. तो 18/19, ये भी कट जाता है. 18 1 18 5, ये 1/5 इज योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चाइल्ड हैज अ डाई हूज सिक्स फेसेस शोन द लेटर एज गिवन बिलो. एक बच्चे के पास एक डाई है लेकिन उसके जो सिक्स फेसेस बने हुए हैं उस पे लेटर्स लिखे हुए हैं. लेटर कौन कौन से हैं हमारे पास? ए ए बी सी डी ई और ए. हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ गेटिंग ए एंड ऑफ गेटिंग बी. पहली बात, नंबर ऑफ स्पेसेस कितने हैं डाई के ऊपर? सिक्स. कौन कौन सैंपल स्पेस क्या है हमारे पास? ए बी सी डी ई ए, यही फेसेस बताया इन्होंने डाई के ऊपर. प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखेंगे. क्या होता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस. हर क्वेश्चन को जब भी आप सॉल्व करोगे आपने फॉर्मूला जरूर लिखना ही लिखना. डायरेक्ट कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेगा. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, ए के आने के क्या क्या चांसेस? देखो इसमें ए कितनी बार है? 1 और ये 2, यानी कि 2 फेवरेबल केसेस है. 2 और टोटल केसेस कितने हैं? 6. 2/6, 2 1 2 3 1/3 इज योर आंसर. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी, डी कितनी बार है इसमें? 1 टाइम, 1/6 इज योर आंसर. जरूरी नहीं है सिर्फ ए और डी का है, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सी आए तो वो भी आप निकाल सकते हो. सी कितनी बार है? 1 टाइम, 1/6 इज योर आंसर. अगर कोई बोलता है निकालो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, तो डी कितनी बार है? 1 टाइम, 1/6 इज योर आंसर. ऐसे हमें अंडरस्टैंड करके क्वेश्चन निकालना है, रट्टा एप्लीकेशन नहीं करनी है. क्वेश्चन नंबर 20 है, सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रेंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन. हमारे पास क्या है? एक रेक्टेंगुलर रीजन है, हमें फिगर दी हुई है और उसके बीच व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी लैंड इनसाइड अ सर्कल विद द डायमीटर 1 सेंटीमीटर. हमारे पास एक रेक्टेंगुलर रीजन है और उसके बीच में सर्कल है. हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि इस सर्कल के बीच में निकलने की क्या होगी. तो पहले हम क्या निकालेंगे? देखो लेंथ क्या दी है हमें इसकी रेक्टेंगल की? 3 सेंटीमीटर. विड्थ दी है 2 मीटर. दोनों मीटर में है तो हम पहले लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दी है 3 मीटर, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल दी है 2 मीटर. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या निकलेगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एल मल्टीप्लाई बी, यही फॉर्मूला था एरिया ऑफ रेक्टेंगल का. एल इंटू बी किया तो आ गया हमारा 6 मीटर स्क्वायर. अब हमें सर्कल का भी डायमीटर दिया हुआ. सर्कल का डायमीटर क्या दिया हुआ? 1 मीटर. लेकिन एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए हमें उसका रेडियस चाहिए. तो रेडियस कैसे निकलता है? डायमीटर का हाफ, 1/2 इज योर रेडियस. तो एरिया ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर. तो वैल्यू पुट कर दी तो पाई बाय 4 मीटर स्क्वायर इज योर एरिया ऑफ सर्कल. अब हमें क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ डाई टू लैंड ऑन अ सर्कल. तो क्या होगा? एरिया ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ रेक्टेंगल. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा क्या आया था? एल इंटू बी 6 मीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ सर्कल क्या आया आपका? पाई बाय फोर अपॉन सिक्स. तो पाई अपॉन 24. 6 और 4 जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे 24. यानी कि रिक्वायर प्रोबेबिलिटी क्या है इसकी? पाई बाय 24. अच्छा, आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा. इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करके आप अपनी नोटबुक पे करो. कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे पूछ सकते हो. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.